नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातलाई देख रहे हैं आप। बिहार में पक्ष विपक्ष के भीतर जुबानी जो है, आपको बता दें, पलटवार, जुबानी तपिश बढ़ते रहती है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। अगर हम देखेंगे तो विपक्ष अपने इशारों से हमेशा सत्ता पक्ष को अपने किए गए कार्यों की मूल्यांकन जो है वो सौंपता रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, लेकिन नागमणि कुशवाहा जी नई पार्टी बनाने को लेकर के वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। 30 तारीख को विधिवत जो है ऐलान करेंगे। ये तमाम चीजें नागमणि कुशवाहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर चुके हैं। नागमणि कुशवाहा जी अमर शहीद बिहार के लेलिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू जी के पुत्र हैं। ऐसे में ये हल्ला तब हुआ था कि जब जगदेव बाबू जी का शहादत दिवस था, उस दिन जो है ये जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अगर बात करें तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा एक ट्वीट तक नहीं किया गया था, जिसके बाद बिहार में इस पूरे मसले पर जो है सवालिया निशान खड़े हुए थे। नीतीश कुमार जी के रवैये पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि जदयू ने इन तमाम चीजों से यू टर्न लिया है। आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कल जहानाबाद के टेस्टा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जगदेव बाबूजी की जो है, आपको बता दें कि 47वां शहादत दिवस का आयोजन किया गया था, उसका समारोह का आयोजन किया गया था। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा कल जो है शहीद जगदेव विचार मंच के द्वारा आयोजित, जो जहानाबाद के टेस्टा में आयोजन किया गया था, 47वां शहादत दिवस का आयोजन किया गया था, इस मौके पर वे वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी भी पहुंचे थे। जीतनराम मांझी जी उद्घाटनकर्ता के रूप में थे। आपको बता दें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी वहां पर जो है, आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में थे। ऐसे में वे वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो अमर शहीद जगदेव बाबू हैं, वे समाज का समावेशी विकास चाहते थे और चाहते थे कि बिहार में समाज में जितने भी तबके हैं उन हर तबकों का जो है समावेशी विकास हो, एक जो है धारा में आकर के जुटे, समाज के मुख्य धारा में आकर के जुटे। और इसी के तहत जो है उनकी इस प्रकार के विचारधारा को लेकर के उन्हें आज भी याद किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो उमेश सिंह कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू के बाद बिहार में अगर कोई जगदेव बाबू की विचारधाराओं से सहमत है तो वो नीतीश कुमार है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार वर्तमान समय में समावेशी विकास धारा में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सभी समाज का समावेशी विकास चाहते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी विकास को लेकर के सजग हैं, वे नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई भी जो तबका है वो पिछड़ा छूट जाए, वंचित रह जाए। ऐसे में उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने की जो है पहल नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। ये बात उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कही। लेकिन आपको बता दें कि इस पर सवाल पहले से खड़ा किए गए थे कि जदयू ने जो अमर शहीद बिहार के लेलिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू के शहादत दिवस के दिन नीतीश कुमार जी ने न कोई श्रद्धांजलि दी, न कोई ट्वीट किया। इसके बाद राजद के जो कदावर नेता हैं आलोक मेहता जी, उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव जी ने भी इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट किया था और तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जहां से शुरुआत की है राजनीति की, उन तमाम विभूतियों को भूलते जा रहे हैं, अमर शहीद जगदेव बाबू को जो है वो भुला दिए। इसके साथ उन्होंने कहा था लोहिया जेपी का जो विचार हटाया जा रहा है जेपी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से, उस पर भी उन्होंने तीखे सवाल किए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उन्होंने कहा था कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी इन तमाम चीजों को भूल रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण पर जदयू ने यू टर्न लिया है और जदयू अमर शहीद जगदेव बाबू के शहादत दिवस में रुचि दिखा रही है। ऐसे में जहानाबाद में शहीद जगदेव विचार मंच के द्वारा जो जगदेव बाबू का 47वां शहादत दिवस समारोह था, उसमें वे शिरकत करने गए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने जगदेव बाबू के लिए बहुत सारी बातें कही है। अब जुड़े रहे भात लाइव के साथ। इसका क्या कुछ असर पड़ता है बिहार की राजनीति पर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप भात लाइव की खबरों को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा